और रोहित भी सेंचुरी करेगा, विराट भी सेंचुरी करेगा और ये चाहता हूँ इंडिया जीतेगा और चाहता है इंडिया जीतेगा। एक्चुअली आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, हमारे कजिन्स एंड ऑल सब नोएडा दिल्ली से आए हुए जस्ट टू वॉच दिस वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। कम ऑन इंडिया, चेक इंडिया, जीतेगा इंडिया। और रौफ का और इसका शाहीन शाह अफरीदी इस बार फॉर्म में नहीं चल रहा है तो उन दोनों को पेलना चाहिए इंडियन बैट्समैन को। अरे वाह भाई, माही भाई को यहाँ पे मिस कर रहे हैं, देख रहे हो आप क्रिकेट फैंस की दीवानगी अभी भी दिलों में बसे हुए। धोनी भाई तो वाकई में दिलों में बसे हैं। शादाब खान का क्या हाल होने वाला है? शादाब खान को हार्दिक पांड्या तो पेलेगा बहुत बुरी तरह, सामने आ गया तो। एक बंदा था जो विकेट के पीछे खड़ा होकर मैच जिता देता था, वो सही बात है, और उसके जैसे विकेट कीपर अभी तक कोई नहीं है। कोहली बैंड बजाएगा पाकिस्तान बॉलर्स की। अच्छा, हाँ जी। बाबर तो बहुत प्रेशर में है, रन उस पर बने नहीं है और कल भी बहुत प्रेशर गेम है तो आई डोंट थिंक सो बाबर रन बनाएगा कल। और इंडियन बॉलर्स भारी रहेंगे पाकिस्तान बैट्समैन पर। तो गिल को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूँ, गिल का होम ग्राउंड है, गिल का रिकॉर्ड इस मैदान पर बहुत अच्छा है, गिल को लेकर बहुत ही एक्साइटेड। हाँ, उसका सेंचुरी पक्का है, लिख के रखिए। अस्त व्यस्त लग रहा है, बाबर आजम का खुद का फॉर्म वापस नहीं आ रहा और वो ये कप ले जाने की बात कर रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ विवेक, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। हाई वोल्टेज ड्रामा, वर्ल्ड कप 2023 का वो मुकाबला जो कि सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है, कल के दिन 14 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक दूसरे के साथ भिड़ने वाली है। और इस मुकाबले को लेकर के जिस तरीके से क्रिकेट फैंस पागल हो रखे हैं, जिस तरीके से पूरे इंडिया के ऊपर क्रिकेट का फीवर सर चढ़कर बोल रहा है, आप देख पाएंगे चारों ओर किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जर्सी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अलग अलग शहरों से अलग अलग फैंस आए हैं, अलग अलग तरीके का रंग रूप लेकर आए हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि शंखनाद के साथ में लगातार टीम इंडिया का जोश हाई करने के लिए मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक चक्रवर्ती, मैं कलकत्ता से आया हूँ, मैं केकेआर और सीएबी का सुपर फैन हूँ और मेरा ये वर्ल्ड कप देखना मेरा सपना था। ये सपना जो शुरू हुआ था चेन्नई से अभी चल रहा है और कल का जो मैच है इंडिया पाकिस्तान वो तो सबसे बड़ा बिग मैच है और उस मैच में इंडिया जीतेंगे और रोहित भी सेंचुरी करेगा, विराट भी सेंचुरी करेगा और कोहली राहुल भी सेंचुरी करेगा। ये चाहता हूँ इंडिया जीतेगा और तीसरी बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीतेगा और ये वर्ल्ड कप रोहित का हाथ में और दाबिर का हाथ में होना चाहिए और सारा इंडिया वो चाहता है इंडिया जीतेगा। क्या लग रहा है अभी जिस तरीके से माहौल है, जिस तरीके से टीम इंडिया के सारे बल्लेबाज गेंदबाज ऑलराउंडर इन फॉर्म में, मतलब फॉर्म में चल रहे हैं, किसकी बैंड बजने वाली है कल पाकिस्तान की, किसकी वॉट लगने वाली है? वो बहुत अच्छा लगता है, ये टीम बहुत अच्छा है, जो बैटिंग हो बॉलिंग हो सब तरफ से इंडिया ये टीम अच्छा है और ये पाकिस्तान का जो हारने का जो ये सबसे वो जो टाइम का जो है वो इसीलिए काल भी है और काल तो इंडिया जीतेंगे और उसके बाद इंडिया तीसरा ओडीआई वर्ल्ड कप यहाँ पर ही जीतेंगे। कम ऑन इंडिया, चेक इंडिया, जीतेगा इंडिया। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ यहाँ पे कई तरह के फैंस मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हाय, आई एम अवनी। ओके, सो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कितनी एक्साइटेड हैं आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हाई वोल्टेज ड्रामे के लिए? एक्चुअली आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, हमारे कजिन्स एंड ऑल सब नोएडा दिल्ली से आए हुए जस्ट टू वॉच दिस वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस in happening here, so yeah, it's, I'm very excited about. आप शहर से हैं या बाहर से? मैं तो अहमदाबाद से ही हूँ, बट हाँ, तो नोएडा दिल्ली से आपके जो रिलेशन, ओके, तो कहाँ से हैं दोस्त आप? हम नोएडा से आए हुए हैं। नोएडा से आए? नोएडा से। क्या लग रहा है, कितने दिन पहले आए, क्या लग रहा है माहौल? रात ही आए हैं और हमने 8 तारीख को ही टिकट बुक की थी और कल से आए हुए हैं हम यहाँ पे। आज सुबह हमारी फ्लाइट लैंड हुई है और बहुत एक्साइटेड है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा जो हम लाइव मैच देखने वाले हैं और वर्ल्ड कप का इंडिया पाकिस्तान का मैच है। हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें टिकट्स मिल गए, बहुत मारा मारी हो रही थी टिकट्स की, बहुत ब्लैक हो रहे हैं टिकट्स भी, तो हमें तो बुक माई शो से मिल गए टिकट्स और होप करते हैं कि पहला मैच हो तो और मैच इंडिया जीत जाए और रोहित शर्मा जैसे चल रहा है लास्ट मैच में वो चले और शुभमन गिल जो डेंगू से रिकवर होकर आया है उसकी फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईशान किशन मुझे लगता है खेलेगा नहीं इस वाले मैच को। तो क्या लग रहा है कल किसका बल्ला गरजेगा, किसकी वॉट लगने वाली है पाकिस्तान की, किस गेंदबाज? चाहते हैं कि जैसे लास्ट ईयर T20 में और रौफ का और इसका शाहीन शाह अफरीदी इस बार फॉर्म में नहीं चल रहा है तो उन दोनों को पेलना चाहिए इंडियन बैट्समैन को। ओके, शादाब खान का क्या हाल होने वाला है? शादाब खान को हार्दिक पांड्या तो पेलेगा बहुत बुरी तरह, सामने आ गया तो। कितना स्कोर बनेगा अगर फर्स्ट इंडिया बैटिंग करती है? मैं चाहता हूँ कि इंडिया चेज़ करे।
चेज करें, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने श्रीलंका वाला चेज किया है, तो जिस डेडिकेशन से रिजवान ने खेला है, मैं चाहता हूँ इंडिया चेज करे तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे इंडिया के जीतने के। तो अभी आज के दिन आप शहर में घूमोगे, टहलोगे? शहर में घूम रहे हैं हम, शॉपिंग कर रहे हैं कल की, क्योंकि ये जर्सी दोस्त किस किस किसके फ़ैन हो आप, इससे पता चल जाएगा कि किसके बड़े तगड़े फ़ैन हो आप। अरे वाह भाई, माही भाई को यहाँ पे मिस कर रहे हैं, देख रहे हो आप क्रिकेट फैंस की दीवानगी अभी भी दिलों में बसे हुए हैं। धोनी भाई तो वाकई में दिलों में बसे हैं। का जो वर्ल्ड कप जीता था उसमें धोनी का बहुत बड़ा हाथ। हाँ, तो अभी धोनी की जर्सी आपने ली है? हमने धोनी के लिए और कुछ विराट कोहली की। अच्छा, विराट कोहली की, तो धोनी भाई को मिस करने वाले हो क्या? अच्छा, धोनी भाई के बारे में कुछ, कौन से ऐसे वो खास लम्हे रहे जिसे आप याद करना चाहो? के बारे में मैं ये कहूँगा कि इंडिया को जितने भी ट्रॉफीज जीती हैं, बहुत बड़ा योगदान है धोनी का इन सब चीज़ों में जिताने में, और इंडिया को बहुत ही आगे लेकर गया जिस स्टेज पर इंडिया थी धोनी के आने से पहले, और आज जहाँ इंडिया है, एक रेपुटेशन है और एक माइंडसेट कंप्लीट चेंज हो चुका है इंडिया का। और कहते हैं ना कि एक बंदा था जो विकेट के पीछे खड़ा होकर मैच जिता देता था, वो सही बात है, और उसके जैसे विकेट कीपर अभी तक कोई नहीं है। तो हो जाए एक बार इंडिया, इंडिया इंडिया आज जीतेगा, कल जरूर जीतेगा, एक बार सब बोल दो मेरे आसपास, इंडिया 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 इंडिया। और सबसे बड़ी बात है, हम जो हमारी जो खुशनसीबी है कि जो यहाँ पे कल रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है, अरिजीत आ रहा है, नेहा कक्कड़ आ रहे हैं, और बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं जो अभी तक किसी मैच में नहीं हुआ, ओपनिंग सेरेमनी, तो इसीलिए हम बहुत एक्साइटेड हैं उस चीज़ के लिए भी। तो हम तो यहाँ कल टाइम से आने वाले हैं। तो ये नोएडा से भाई आए हुए हैं अहमदाबाद में, लकी बात ये है कि, अच्छा एक बात बताओ, अभी जैसे जिस तरीके से होटल के हालात है, होटल सोल्ड आउट है, प्राइस काफ़ी हाई है, तो आप खुद को लकी महसूस कर रहे हो? कि लकी महसूस करते कि हमारे कुछ रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, हम तो उन्हीं के यहाँ स्टे कर रहे हैं, वरना उसकी भी मारामारी होती, क्योंकि हमारे साथ कुछ जो हमें जैसे कल फ्लाइट आई ना, कल 3 बजे की जो फ्लाइट थी उसमें 70% सिर्फ मैच देखने वाले थे नोएडा दिल्ली के। हाँ, हमने सबसे बात की, कोई तो बहुत से ऐसे तो जिनको टिकट्स नहीं मिला है, लेकिन वो इस होप से आए हैं कि यहाँ आके टिकट्स का शायद मिल जाए। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे एक भाई और भी मौजूद हैं। दोस्त क्या नाम है आपका? मैं इनके साथ में ही। कोई बात नहीं, आप दिल्ली से आए हो साथ में ही? हाँ, साथ में। क्या लग रहा है कल क्या होने वाला है? कल इंडिया जीतेगी, बस ये होगा। किसकी बैंड बजेगी और कौन बैंड बजाएगा? कोहली बैंड बजाएगा, पाकिस्तान बॉलर्स की। अच्छा, हाँ जी। तो भाई के साथ काफ़ी महीने पहले प्लान कर लिया था इंडिया पाक मुकाबला देखना है? हाँ, वो तो प्लान कर लिया था, जब 3 सितंबर को जो बुकिंग्स खुली थी उसमें हमारा हो नहीं पाया टिकट, 8 को फिर दोबारा खुली, तो हम लकी हैं कि हमारा हो गया टिकट्स, और अच्छे टिकट्स हुए हैं लोअर स्टैंड्स वाले। आपसे मेरे एक सवाल है, बाबर भाई का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे है, भाई बोल दिया कि ट्रॉफी लेके हम जाएंगे, हालात ऐसे है नहीं, क्या कहोगे बाबर के लिए? बाबर तो बहुत प्रेशर में है, रन उस पर बने नहीं है, और कल भी बहुत प्रेशर गेम है, तो आई डोंट थिंक सो बाबर रन बनाएगा कल, और इंडियन बॉलर्स भारी रहेंगे पाकिस्तान बैट्समैन्स पर। प्रैक्टिस मैच 2 बजे शुरू होने वाला है, क्या लग रहा है कैसे दिखाई देंगे, मतलब सारे जो जिस तरीके से फॉर्म चल रहा है उससे क्या लग रहा है वर्ल्ड कप हमारा है, और किसके साथ फाइनल खेलेगी टीम इंडिया, ये बता दो आप। फाइनल आई थिंक साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी इंडिया, ये श्योर हूँ मैं। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने फाइनल भी बता दिया कि साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड, दोनों में से कोई एक टीम होगी। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से हूँ। यहीं से हैं, कितने एक्साइटेड हैं? शहर से हैं, इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का, क्या लग रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है, कौन मारेगा कौन गरजेगा? जिस तरह से कल युवराज सिंह ने बयान दिया था कि मैंने गिल को ये बताया है कि यार मैं भी कैंसर में खेला हुआ हूँ, 2 डेंगू में मैंने भी मैच खेले, तो गिल कल हमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, तो गिल को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूँ। गिल का होम ग्राउंड है, गिल का रिकॉर्ड इस मैदान पर बहुत अच्छा है, गिल को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हाँ, उसका सेंचुरी पक्का है, लिख के रखिए। तो अभी जैसे जिस तरीके से बाबर की सेना चल रही, मतलब अच्छा खेले, 2 मैच उन्होंने भी जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इंडिया के सामने काफ़ी कमज़ोर नजर आई है। बाबर ने कहा हम वर्ल्ड कप लेके जाएंगे, क्या लग रहा है, ये बयान बेतुका है या फिर वाकई में लग रहा है कुछ दम है? बेतुका तो नहीं कहेंगे, बट नहीं, बाबर का लगता नहीं है, उनका टीम पूरा अस्त व्यस्त लग रहा है। बाबर आजम का खुद का फॉर्म वापस नहीं आ रहा है, और वो ये कप ले जाने की बात कर रहा है सरासर, ये तो चाहेगा वो कप भी ले जाए तो भी बहुत बढ़िया है। अगर कल की मैच के लिए देखा जाए तो इंडिया का पलड़ा भारी है, और उसमें जो बॉलिंग लाइनअप हमारी है, जो ओपनिंग की सिराज और बुमराह की, वो पाकिस्तान को क्या है कि एक पावर प्ले का जो पहले 10 ओवर का खेल है उसमें रोक के रखेगी, और इंडिया अगर चेस करता है तो इंडिया 250-260 तक पाकिस्तान को रोक के रखेगा, और इंडिया पहली बैटिंग करता है तो इंडिया 350+ स्कोर बना सकता है। ठीक है, उसमें जो ओपनिंग पार्टनरशिप है गिल और रोहित शर्मा की, दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा कल,
अगर ओपनिंग पार्टनरशिप लंबे तक जाती है 20 ओवर तक, तो ये स्कोर 350 प्लस हो सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आ गया है।